बचपन से किताबों में पढ़ा है शेर जंगल का राजा है, जिंदगी में शेर के जैसा साहसी और ताकतवर बनना है। लेकिन आज अचानक से शेर के बारे में बात क्यों हो रही है? ऐसा इसीलिए क्योंकि 10 अगस्त यानी आज का दिन जंगल के राजा के नाम है। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड लायन डे मनाती है। कहते हैं कि शेर की दहाड़ इतनी तेज होती है कि करीब 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 100 साल पहले धरती पर 2 लाख से ज्यादा शेर रहे होंगे, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के मुताबिक आज सिर्फ 23,000 से 39,000 शेर ही दुनिया में बचे हैं। वहीं दूसरे कंजर्वेशन ग्रुप्स ने तो ये आंकड़ा 20,000 के करीब बताया है। इसलिए वर्ल्ड लायन डे इस प्रजाति को सेलिब्रेट करने के साथ साथ उन्हें बचाने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए भी है। आज स्पॉटलाइट में बात कैट यानी बिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति पैंथेरा लियो की। करीब 28 सालों से शेर को IUCN ने वल्नरेबल प्रजाति के कैटेगरी में रखा है। ज्यादातर शेर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, वहीं कुछ शेर मध्य पश्चिम अफ्रीका के साथ साथ भारत में पाए जाते हैं। पिछले 20 सालों में पूरे अफ्रीका में शेरों की आबादी में करीब 43% की गिरावट आई है। वहीं अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो अगले 20 सालों में ये प्रजाति खत्म भी हो सकती है। पूरी दुनिया में करीब 600 शेर हर साल शिकार और दूसरी वजहों से मारे जाते हैं और इनकी दो प्रजातियां द केप और बैरबरी पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन दुनिया भर में शेरों की आबादी क्यों घट रही है? शेरों के हैबिटेट का बर्बाद होना इसका सबसे बड़ा कारण है। इससे शेरों को एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना पड़ता है और वो अपने शिकार से दूर हो जाते हैं। दूसरा कारण है इंसानों और शेरों के बीच टकराव, जिसमें अक्सर इंसान खुद बसने के लिए इनकी जगह बर्बाद कर इन्हें मार देते हैं। तो वहीं बाघों की किलिंग पर रोक लगने के बाद शेरों की हड्डियों और ऑर्गन्स की डिमांड बढ़ने लगी, जिसके कारण इनका शिकार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पूरे एशिया में एशियाटिक लायन सिर्फ भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, तो वहीं कुछ शेरों को उत्तर प्रदेश के इटावा में कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत रखा गया है। देश में शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर के जंगल में पाए जाते हैं। साल 2020 के सरकारी सर्वे के मुताबिक फिलहाल देश में शेरों की कुल संख्या 674 है, जो 2015 में 523 थी। यानी पिछले 5 सालों में ये संख्या करीब 29% की दर से बढ़ी है। IUCN के मुताबिक अफ्रीका के मुकाबले भारत में शेर 19 गुना ज्यादा सुरक्षित है। अब एक नजर देश में शेरों की बढ़ती संख्या और एरिया पर डालते हैं। साल 1990 में देश में शेरों की संख्या 284 थी, तो वहीं इनका एरिया करीब 6,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, जो कि साल 2015 में बढ़कर 22,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। वहीं इनकी संख्या 523 हो गई। 2020 के सर्वे में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई और 2015 के मुकाबले इनका एरिया 22,000 से बढ़कर 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। फरवरी 2024 में तत्कालीन पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया था कि पिछले 5 सालों में देश में करीब 555 एशियाटिक लायन की जान गई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर की मौत नेचुरल रीजन से हुई और इनकी मृत्यु दर में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब जानते हैं शेर के बारे में कुछ और मजेदार फैक्ट्स। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एक मेल शेर का वजन करीब 180 किलोग्राम तो वहीं फीमेल का करीब 130 किलोग्राम तक होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे बड़ा शेर ब्लैक मैन मेल सिम्बा है। इनका पसंदीदा शिकार जीब्रा और हिरण है और मेल शेर को एक दिन में करीब 7 किलो और फीमेल को एक दिन में 5 किलो मीट चाहिए होता है। एक मजेदार जानकारी ये भी है कि शेर की जंगल में उम्र करीब 12 से 16 साल के बीच है, लेकिन ये जू में करीब 25 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वहीं इनमें शेरनी 85 से 90% तक शिकार करती है, जबकि मेल शेर अपनी बाउंड्री की रखवाली करता है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक।